सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इज अनदर डे, अनदर ब्लॉग। सो अभी हम साउथ गोवा में हैं। कल हम लोग यहाँ पे चेक इन किए स्टर्लिंग में, एंड टुडे वी डिडंट हैड ब्रेकफास्ट राइट नाउ। सो इट इज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी जस्ट वोक अप। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बीच, एंड टुडे ऑल्सो होल डे विल बी डूइंग बीच हॉपिंग, एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम बीचेस ओवर द साउथ गोवा। एंड येस, ड्यू टू पैंडमिक I've seen that there are a lot of things are closed, but still like a lot of places also open, and there are a lot of shacks are there in the beach side also. So guys, let's go to the beach, and in meantime, if you are new to my channel, please do like, share and subscribe my channel. So let's go. So अभी मैं रिजॉर्ट से निकल के वर्का बीच तक जा रही हूँ। वर्का बीच यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। सो गाइज, हम लोग अभी पहुँच गए हैं वर्का बीच, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ वर्का बीच का एंट्री पॉइंट। सो ये है वर्का बीच का एंट्री पॉइंट। यहाँ से आप जा सकते हो पैदल। हम लोगों को अभी 5 मिनट लगे मेरे स्टर्लिंग से इधर तक आने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द बीच। यहाँ के सैंड काफ़ी वाइट है, लग थोड़ा सा अलग ही लग रहा है बाकी सारे सैंड से। ये शायद छोटा बहुत लेक टाइप का लग रहा है। दिस इज बैक वाटर एंड देयर इज अ स्मॉल ब्रिज टू क्रॉस टू गो टू द बीच। यस, राइट नाउ आई एम इन द बीच। इट्स ऑलमोस्ट 9:30। सो गाइज, वर्का बीच काफ़ी पीसफुल बीच है, एंड अभी एट दिस मोमेंट हम लोग जब वर्का बीच में थे या फिर आरंबोल बीच में थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, बट ये बहुत ही पीसफुल बीच है। ज़्यादा लोग आए भी नहीं है, एंड बहुत ही आइसोलेटेड बीच है ये। एंड यहाँ का जो सैंड है इज काफ़ी लाइक नो, इट इज़ सो वाइट। आई वाज टेलिंग यू नो, दिस द सैंड इज़ रियली समथिंग डिफरेंट। एंड क्योंकि यहाँ पे शायद माउंटेन नहीं है पीछे, और बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ नो ब्लैक सैंड इज़ देयर। एंड दिस बीच इज़ काफ़ी नीट एंड क्लीन बीच है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग आते भी नहीं है जनरली, एंड बहुत ही पीसफुल बीच है। इसलिए साउथ गोवा के जितने सारे बीचेस है, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत ही पीसफुल होता है। मैंने देखा भी है कि काफ़ी पीसफुल होता है वहाँ पे। सो लेट्स एक्सप्लोर द बीच। सो गाइज, मैं अभी वर्का बीच में वर्क कर रही हूँ, एंड वर्क करते करते मुझे क्रैब्स दिखे, सांप दिखे, देयर आर लॉट मैनी। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट द बीच क्लीन है काफ़ी, एंड इसमें बहुत सारे मुझे कलरफुल शेल्स दिख रहे हैं। जस्ट व्हाइल आई एम वर्किंग, इतने सारे कलरफुल मुझे सी शेल्स दिख रहे हैं। सो इट इज़ रियली लुकिंग नाइस एंड रियली प्रिटी। सो गाइज, हम लोग अभी वर्का बीच की दूसरी तरफ जा रहे हैं, एंड ये बीच काफ़ी लाइक नो आइसोलेटेड है, एंड ज़्यादा लोग आए नहीं है, नॉट दैट मच क्राउडेड। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वाइट टाइम, यू कैन कम टू दिस बीच। आई एम फुली रिकमेंडिंग, एंड या यू कैन ऑल्सो डू सम वाटर एक्टिविटीज, बिकॉज आई कैन सी जेट स्की एंड अदर बोट्स ओवर अवेलेबल, एंड पीपल आर गोइंग ऑल्सो टूवर्ड्स द वाटर एंड डूइंग सम वाटर एक्टिविटीज। प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो थिंक फॉर वाटर एक्टिविटी इन दिस बीच। सो लेट्स गो। सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट फेटरेट बीच। यहाँ से वर्का से फेटरेट दोनों कनेक्टेड बीच है, तो मैं यहाँ से पैदल चल के आई हूँ, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मेरे पीछे जो शैक्स दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अभी। एंड यहाँ पे आप चाहो तो साइकिल ले सकते हो, साइकिल हायर कर सकते हो। घंटे का 50 रुपीज़ पर आवर होता है, एंड पूरा दिन का 350 पर डे चार्जेस करते हैं लोग, एंड फुल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप बाइक और या फिर साइकिल रेंट कर सकते हैं। और यहाँ के बीचेस काफ़ी क्लीन होती है, आप चल सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू वाटर एक्टिविटीज़, यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो
अभी मेरे पीछे जो दिख रही है कैप्रिकॉन बी शर्क, इसमें हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। एंड दिस ओनर इज़ रियली गुड बिकॉज अभी वो लोग आके हमसे बात की है एंड वो लोग उनका जो इवनिंग का प्लानिंग होता है लाइक यू नो पार्टी के लिए क्या क्या प्लान करते हैं कारवे के नाइट और उसके बाद कुछ बीच का पार्टी स्कीम तो वगैरह सब डिस्कस कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छे थे वो। यहाँ पे काफ़ी और शैक्स हैं बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको दो या तीन शैक्स आपको दिखेंगे। एंड अभी काफ़ी धूप चल रही है, इट इज़ राइट नाउ 10:30 इन द मॉर्निंग। सो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग दूसरे बीचेस। शायद यहाँ पे और आगे दो तीन और कनेक्टेड बीच है तो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड मैं आपको बता दी जाऊँगी कौन सा बीच है, बीच में क्या क्या अवेलेबल है। सो गाइज राइट नाउ हम लोग फेटरेट बीच से फिर से वापस जा रहे हैं मार्का बीच एंड हम लोगों ने फेटरेट बीच काफ़ी टाइम स्पेंड किए। हम लोग अपने ऑलमोस्ट ब्रंच ख़त्म किए, फिर पानी में गए, स्विम थोड़ा सा किए और क्लीन इतना अच्छा है ना यहाँ पे बीच, इतना क्लीन है कि हम लोग को पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सो वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स वारका एंड देन वी बी गोइंग टूवर्ड्स आवर रिजॉर्ट वेयर वी हैव स्टेड एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के और बाकी सारे हमारे जो प्लान्स हैं। सो देखते कितना एक्सप्लोर होता है, सो स्टे इन टच। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं काबोली रामा फोर्ट और मैं आपको दिखाती जाऊंगी फोर्ट जाते समय क्या क्या रास्ते में मिलता है। सो लेट्स गो। Long drive, we reached Kabodi Rama Fort. The view from the fort was just mesmerizing. You should plan to visit this fort in the evening time to get rewarded by the gorgeous sunset view shining over the Arabian Sea. काबोदी रामा जो फोर्ट है 1763 में यहाँ के सोंडा रूलर्स ने बनाए थे जो एक इंडियन थे एंड उसके बाद जो पुर्तगीज़ यहाँ पे आए तो यहाँ पे लोग ने उसको हड़प लिया था एंड उसके बाद काफ़ी साल तक यहाँ पे अपना राज किए। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है एंड अभी काफ़ी डैमेज हो चुका है बट स्टिल इट इज़ ब्यूटीफुल, यू कैन सी द फोर्ट। देयर इज अ स्मॉल पाथ फ्रॉम द फोर्ट दैट विल टेक यू टू द कोस्ट लाइन। यहाँ पे रॉक पे काफ़ी देर स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद जो यहाँ पे फोर्ट का दूसरा तरफ है तो उधर चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा एक छोटा सा चर्च भी है तो कोशिश करेंगे वहाँ पे भी देखने का। एंड यहाँ से निकालने के बाद हम लोग जा रहे हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एंड उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। अभी हम लोग आए हैं केव गोवा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनका एंट्री पॉइंट एंड काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, आपको आप यहाँ पे आ सकते हो खाने के लिए। सो लेट्स गो। Surrounded by green palm trees and paddy fields, this beautiful hotel overlooking a sandy beach along the Arabian Sea. Cape Goa restaurant offers delicious Indian food along with an extensive selection of cocktails.
I would recommend you come a little early because you may find it difficult to get a table in this restaurant. We had a good time at Cape Cod restaurant and enjoyed our food with the beautiful sunset. So guys, this Cape Goa resort and restaurant is really beautiful. यहाँ पे resort भी है, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ पे आप बैठ के sunset and sunrise view देख सकते हैं. So guys, if you are first time on my channel, please do subscribe to my channel and also press the bell notification icon to get the update of my upcoming video.